गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम योगेश जैन, पीजीटी केमिस्ट्री इन माउंट लिट्राजी स्कूल. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड द कंडेंसेशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. टुडे आई विल डिस्कस को पॉलीमर एंड को पॉलीमराइजेशन. को पॉलीमर इज अ टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमर in which more than one type of monomeric units take place in polymerization. The polymerization in which the copolymer is formed called copolymerization. The first example of copolymer is first हमें अभी example ब्यूना एस था जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है, और अभी ब्यूना एन भी पढ़ेंगे. अब इसमें इसके बाद हमें रबर के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट नंबर नेचुरल रबर. नेचुरल रबर इज़ ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रिन. द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोप्रिन इज 2-methyl-1,3-butadiene. दिस इज सिस फॉर्म. तो इसमें हम क्या करेंगे, आइसोप्रिन के एन मॉलिक्यूल्स लेते हैं और ये एन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं सिस फॉर्म में और नेचुरल रबर को प्रोड्यूस करते हैं. ये नेचुरल रबर हमें लेटेक्स प्लांट से मिलती है, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट है वल्केनाइज रबर एंड वल्केनाइजेशन. वल्केनाइज रबर एक्चुअल में क्या होता है, हार्ड रबर होती है और जिस प्रोसेस में वल्केनाइज रबर को बनाते हैं तो वल्केनाइजेशन होता है. वल्केनाइज रबर जो है वो नेचुरल रबर से ही बनाया जाता है. नेचुरल रबर का जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है दैट्स वाई उसके अंदर इलास्टिक नेचर पाया जाता है. जब नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो सल्फर इसमें क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग बना लेता है. क्रॉस लिंकिंग बनाने के बाद ये रबर हार्ड हो जाती है और उस हार्ड रबर को ही वल्केनाइज रबर बोला जाता है, ठीक है. तो नेचुरल रबर से वल्केनाइज रबर को बनाना वल्केनाइजेशन कहलाता है और इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं वो टायर एंड फुटवियर में करते हैं. नेक्स्ट हमें सिंथेटिक रबर में दिया है नियोप्रिन. द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ नियोप्रिन इज क्लोरोप्रिन. द आईयूपीएसी नेम ऑफ क्लोरोप्रिन इज 2-chloro-1,3-butadiene. इसमें भी वही करना है, एंड मॉलिक्यूल इसके हम लेंगे, ये सारे के सारे पॉलीमराइज्ड होते हैं और पॉलीमराइज्ड होने के बाद पॉलीक्लोरोप्रिन को ही हम नियोप्रिन बोलते हैं. इसका यूज़ कन्वेयर बेल्ट में करते हैं, ठीक है, शू हील में करते हैं और हॉसेस पाइप में करते हैं. नेक्स्ट ब्यूना एन आ गई, ये कोपॉलीमर होता है. इसका मोनोमेरिक यूनिट बच्चों 1,3-butadiene जैसा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, एंड सेकेंड मोनोमेरिक यूनिट इज एक्रायोनाइट्राइल CH2CH CN. इन दोनों मोनोमेरिक यूनिट्स को आप ले लें और कंबाइन कर दें. कंबाइन करने के बाद ये ब्यूना एन प्रोड्यूस हो जाती है. इसका यूज़ हम पेट्रोल लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के लिए करते हैं, ठीक है. इसके बाद ब्यूना एस हम कर चुके हैं ऑलरेडी. नेक्स्ट है मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर. मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर हम जनरली जो लेते हैं वो एवरेज मॉलिकुलर मास लेते हैं, क्योंकि डिफरेंट सोर्स से सेम पॉलीमर का मॉलिकुलर मास चेंज हो जाता है. इसके बाद बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से डिकम्पोज हो जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं होते. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज नहीं हो रहे वो नेचर के अंदर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं. तो अभी क्या कोशिश की जा रही है कि हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को प्रोड्यूस करें. इसमें बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट PHVV से डिनोट करते हैं इसको. इसका मोनोमेरिक यूनिट बच्चों 3-hydroxybutanoic acid जैसा फार्मूला सामने लिखा हुआ है. और नेक्स्ट है 3-hydroxypentanoic acid. दोनों बीटा हाइड्रोक्सी मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी इस्तेमाल किया गया है. दोनों मोनोमेरिक यूनिट को एन नंबर में ले लेते हैं. एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एनिमिलेट होते हैं और उसके बाद PHVV को प्रोड्यूस करता है, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है
वो नायलॉन 2 नायलॉन 6 पॉलीमर होता है। इसके मोनोमेरिक यूनिट बच्चों फर्स्ट नंबर ग्लाइसिन है। इसका फार्मूला आपके सामने है NH2CH2COOH। एंड सेकंड मोनोमेरिक यूनिट इज़ क्या नाम है ये कैप्रोइक एसिड, ठीक है। इसका फार्मूला भी आपके सामने, दोनों को कंबाइन कर देंगे। वैसे इसका प्रिपरेशन नहीं है लेकिन मैंने अपने नोट्स में दिखाया आपको कि दोनों को कंबाइन करके आप इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका पॉलीमर यूनिट बच्चों ख़त्म हो गया। ये आपको एक्स्ट्रा में एक टेबल बना के दी है, इस टेबल की मोनोमेरिक यूनिट्स और यूजेस आप याद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।